CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 12 के लिए हिंदी की ध्वनि पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2। आइए सुनते हैं आरोह भाग 2 का चौथा पाठ, कवि रघुवीर सहाय, पृष्ठ संख्या 21 से 26 तक। कवि परिचय। रघुवीर सहाय, जन्म सन 1929, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। प्रमुख रचनाएं अज्ञे द्वारा संपादित दूसरा सप्तक 1951 में, आरंभिक कविताएं, महत्वपूर्ण काव्य संकलन सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, पत्रकारिता, ऑल इंडिया रेडियो के हिंदी समाचार विभाग से संबद्ध रहे, फिर हैदराबाद से निकलने वाली पत्रिका कल्पना और उसके बाद दैनिक नव भारत टाइम्स तथा दिनमान से संबद्ध रहे। सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार। निधन सन 1990 दिल्ली में। कुछ होगा अगर मैं बोलूंगा, ना टूटे तिलिस्म सत्ता का, मेरे अंदर एक कायर टूटेगा। रघुवीर सहाय समकालीन हिंदी कविता के संवेदनशील नागर चेहरा हैं। सड़क, चौराहा, दफ्तर, अखबार, संसद, बस, रेल और बाजार की बेलौस भाषा में उन्होंने कविता लिखी। हर मोहल्ले के चरित्रों पर कविता लिखकर इन्हें हमारी चेतना का स्थायी नागरिक बनाया। हत्या, लूटपाट और आगजनी, राजनैतिक भ्रष्टाचार और छल छद्म इनकी कविता में उतरकर खोजी पत्रकारिता की सनसनीखेज रपटे नहीं रह जाते, आत्मान्वेषण का माध्यम बन जाते हैं। यह ठीक है कि पेशे से वे पत्रकार थे, लेकिन वे सिर्फ पत्रकार ही नहीं, सिद्ध कथाकार और कवि भी थे। कविता को उन्होंने एक कहानीपन और एक नाटकीय वैभव दिया। जातीय या व्यक्तिक स्मृतियां उनके यहां नहीं के बराबर हैं, इसलिए उनके दोनों पांव वर्तमान में ही गड़े हैं। बावजूद इसके मार्मिक उजास और व्यंग बुझी खुरदुरी मुस्कानों से उनकी कविता पटी पड़ी है। छंदानुशासन के लिहाज से भी वे अनुपम हैं, पर ज्यादातर बातचीत की सहज शैली में ही उन्होंने लिखा और बखूबी लिखा। बतौर पत्रकार और कवि घटनाओं में निहित विडंबना और त्रासदी को भी उन्होंने देखा। रघुवीर सहाय की कविताओं की दूसरी विशेषता है छोटे या लघु की महत्ता का स्वीकार। वे महज बड़े कहे जाने वाले विषयों या समस्याओं पर ही दृष्टि नहीं डालते, बल्कि जिनको समाज में हाशिए पर रखा जाता है उनके अनुभवों को भी अपनी रचनाओं का विषय बनाते हैं। रघुवीर जी ने भारतीय समाज में ताकतवरों की बढ़ती हैसियत और सत्ता के खिलाफ भी साहित्य और पत्रकारिता के पाठकों का ध्यान खींचा। रामदास नाम की उनकी कविता आधुनिक हिंदी कविता की एक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। पृष्ठ संख्या 21। अत्यंत साधारण और अनायास सी प्रतीत होने वाली शैली में समाज की दारुण विडंबनाओं को पकड़ने की जो कला रघुवीर सहाय की कविताओं में मिलती है, उसका प्रतिनिधि उदाहरण है यहां प्रस्तुत कविता कैमरे में बंद अपाहिज, जो लोग भूल गए हैं संग्रह से ली गई है। शारीरिक चुनौती को झेलते व्यक्ति से टेलीविजन कैमरा के सामने किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उससे कैसी भंगिमा की अपेक्षा की जाएगी, इसका लगभग सपाट तरीके से बयान करते हुए कवि ने एक तरह से पीड़ा के साथ दृश्य संचार माध्यम के संबंध को
रेखांकित किया है। किसी की पीड़ा को बहुत बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचाने वाले व्यक्ति को उस पीड़ा के प्रति स्वयं संवेदनशील होने और दूसरों को संवेदनशील बनाने का दावेदार होना चाहिए। लेकिन विडंबना यह है कि आप जब पीड़ा को पर्दे पर उभारने का प्रयास करते हैं, तब कारोबारी दबाव के तहत आपका रवैया संवेदनहीन हो जाता है। सहाय जी की यह कविता टेलीविजन स्टूडियो के भीतर की दुनिया को उभारती जरूर है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि इसे सिर्फ टेलीविजन माध्यम से जोड़कर देखा जाए। अपनी व्यंजना में यह कविता हर ऐसे व्यक्ति की ओर इशारा करती है जो दुख दर्द यातना वेदना को बेचना चाहता है। इस कविता को शारीरिक चुनौती झेलते लोगों के प्रति संवेदनशील नजरिया अपनाने के लिए प्रेरित करते पाठ के रूप में भी देखा जा सकता है। इसके लिए कवि ने धुर संवेदनहीनता को रेखांकित करने का तरीका अपनाया है। वह दिखलाता है कि किस तरह करुणा जगाने के मकसद से शुरू हुआ कार्यक्रम क्रूर बन जाता है। पृष्ठ संख्या 23। प्रस्तुत है कविता कैमरे में बंद अपाहिज। कैमरे में बंद अपाहिज। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं, तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है। अगली पंक्ति कोष्ठक में है। कोष्ठक शुरू। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। कोष्ठक बंद। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा, सोचिए, बताइए, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, कैसा यानी कैसा लगता है। अगली पंक्ति कोष्ठक में है। कोष्ठक शुरू। हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। कोष्ठक बंद। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए। अगली पंक्ति कोष्ठक में है। कोष्ठक शुरू। ये अवसर खो देंगे। कोष्ठक बंद। पृष्ठ संख्या 24। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे, इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का, करते हैं। अगली पंक्ति कोष्ठक में है। कोष्ठक शुरू। यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। कोष्ठक बंद। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आग की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कस मसाहट भी। अगली पंक्ति कोष्ठक में है। कोष्ठक शुरू। आशा है आप उसे अपनी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। कोष्ठक बंद। एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, देखिए हम दोनों एक संग रुलाने हैं, आप और वह दोनों। अगली पंक्ति कोष्ठक में है। कोष्ठक शुरू। कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। कोष्ठक बंद। अब मुस्कुराएंगे हम, आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम। अगली पंक्ति कोष्ठक में है। कोष्ठक शुरू। बस थोड़ी सी कसर रह गई। कोष्ठक बंद। धन्यवाद। पृष्ठ संख्या 25। अभ्यास कविता के साथ। प्रश्न 1। कविता में कुछ पंक्तियां कोष्ठकों में रखी गई हैं, आपकी समझ से इसका क्या औचित्य है? प्रश्न 2। कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है, विचार कीजिए। प्रश्न 3। हम समर्थ शक्तिवान और हम एक दुर्बल को लाएंगे पंक्ति के माध्यम से कवि ने क्या व्यंग किया है? प्रश्न 4। यदि शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति और दर्शक दोनों एक साथ रोने लगेंगे तो उससे प्रश्नकर्ता का कौन सा उद्देश्य पूरा होगा? प्रश्न 5।
पर्दे पर वक्त की कीमत है कहकर कवि ने पूरे साक्षात्कार के प्रति अपना नजरिया किस रूप में रखा है। कविता के आसपास प्रश्न एक, यदि आपको शारीरिक चुनौती का सामना कर रहे किसी मित्र का परिचय लोगों से करवाना हो तो किन शब्दों में करवाएंगे? प्रश्न दो, सामाजिक उद्देश्य से युक्त ऐसे कार्यक्रम को देखकर आपको कैसा लगेगा? अपने विचार संक्षेप में लिखें। प्रश्न तीन, यदि आप इस कार्यक्रम के दर्शक हैं तो टीवी पर ऐसे सामाजिक कार्यक्रम को देखकर एक पत्र में अपनी प्रतिक्रिया दूरदर्शन निदेशक को भेजें। प्रश्न चार, दिए गए खबर के अंश को सुनिए और बिहार के इस बुधिया से एक काल्पनिक साक्षात्कार कीजिए। उम्र 5 साल, संपूर्ण रूप से विकलांग और दौड़ गया 5 किलोमीटर। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है लेकिन ये कारनामा कर दिखाया है पवन ने। बिहारी बुधिया के नाम से प्रसिद्ध पवन जन्म से ही विकलांग है। इसके दोनों हाथ का पुलवा नहीं है जबकि पैर में सिर्फ एड़ी ही है। पवन ने रविवार को पटना के कारगिल चौक से सुबह 8:40 पर दौड़ना शुरू किया। डाक बंगला रोड, तारामंडल और आर ब्लॉक होते हुए पवन का सफर 1 घंटे बाद शहीद स्मारक पर जाकर खत्म हुआ। पवन द्वारा तय की गई इस दूरी के दौरान उम्मीद स्कूल के तकरीबन 300 बच्चे साथ दौड़कर उसका हौसला बढ़ा रहे थे। सड़क किनारे खड़े दर्शक ये देखकर हतप्रभ थे कि किस तरह एक विकलांग बच्चा जोश एवं उत्साह के साथ दौड़ता चला जा रहा है। जहानाबाद जिले का रहने वाला पवन नवरसना एकेडमी बेऊर में कक्षा का एक छात्र है। असल में पवन का सपना उड़ीसा के बुधिया जैसा करतब दिखाने का है। कुछ माह पूर्व बुधिया 35 किलोमीटर दौड़ चुका है लेकिन बुधिया पूरी तरह से स्वस्थ है जबकि पवन पूरी तरह से विकलांग। पवन का सपना कश्मीर से कन्याकुमारी तक की दूरी पैदल तय करने का है। 9 अक्टूबर 2006 हिंदुस्तान से साभार। इसी के साथ आरोह भाग 2 का 4th पाठ यहां समाप्त होता है। इसके बाद पाठ 5 आता है। प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।